बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नवीद एंजो, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर फिजिक्स से। चैप्टर हम पढ़ रहे थे 12, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। अब कूलम एक फ्रेंच आर्मी या के जब ये उन्हें पता चला कि चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अब उसने क्या कहा, कूलम लॉ को कैसे डिफाइन किया? उसने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। के दो पॉइंट चार्जेस, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं पॉइंट चार्ज। अब एक चार्ज जो है उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती है। अब अगर हम चार्ज को इतना छोटा कर दें कि वो सिंपल एक पॉइंट लगे, कि उसकी कोई डायमेंशन बाकी ना है, कि एक चार्ज विद नो डायमेंशन, उसको हमने कहा पॉइंट चार्ज। अब रियल लाइफ के अंदर पॉइंट चार्ज नहीं होता, हर का कुछ ना कुछ वेट्स होती है और कुछ की लेंथ होती है, मतलब कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है। लेकिन फिर हम पॉइंट चार्ज को कैसे कंसीडर करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एक चार्ज जो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है और आप उसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देख रही हैं, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज क्या है कि एक ऐसा चार्ज जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक हो गया। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके डिस्टेंस के जो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया कि दो चार्जेस थे। अब इन्होंने हमने क्या किया कि ये दोनों चार्जेस को हमने कंसिडर कर लिया कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। दो चार्ज लिए Q1 Q2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमने रखा R। अब इसके मुताबिक देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स जो है उसके दरमियान उसका मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 और Q2 जो चार्जेस थे उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर के जो उनके दरमियान डिस्टेंस है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम इकट्ठा करते हैं तो तब हमारे फोर्स क्या मिली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वालिटी के अंदर तब्दील करते हैं तो फिर हम एक कांस्टेंट दे देते हैं और वो कांस्टेंट है के। अब के क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब अगर ये कांस्टेंट है के तो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो रिलेशन से हमें पता चलता है कि ये जो के है, एक चीज तो ये है कि ये मीडियम डिपेंडेंट है, दूसरी चीज मतलब मीडियम को इनके दरमियान चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरी चीज है सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ क्यू आर एंड एफ, जो क्यूज हैं आर और एफ के लिए कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे तो क्यू की वैल्यू भी चेंज होगी। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक मीडियम के ऊपर और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट पे, कौन सा सिस्टम, अगर ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू और होगी, सीजीएस सिस्टम के इसकी वैल्यू और हो जाएगी। तो दो चीजों पे डिपेंड किए, एक नेचर ऑफ द मीडियम
और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हम वैक्यूम के अंदर बात करें तो इसकी वैल्यू या फ्री स्पेस के अंदर k की वैल्यू होगी k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं और इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की के वो परमिट करे, के वो अलाउ करे इलेक्ट्रिक फोर्स टू पास थ्रू इट। तो परमिट मतलब अलाउ करना, तो परमिटिविटी का मतलब हुआ कि किसी भी मीडियम की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को पास करने दे, ठीक हो गया। तो एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अब एप्सिलॉन नॉट अगर एसआई यूनिट में इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात आ गई एप्सिलॉन नॉट की। अब हम बात करते हैं फोर्स की। अब ये यहां पे हमने सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की। अब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक वेक्टर फॉर्म भी होती है, ठीक है। तो अब हम उसकी वेक्टर फॉर्म की तरफ जाते हैं। और अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो कूलम फोर्स है वो न्यूटन लॉ के जिस तरह न्यूटन लॉ है बिल्कुल उसी तरीके से न्यूटन लॉ की तरह बिहेव करती है कूलम फोर्स भी। तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रूव करें कि कूलम फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है? दो चार्जेस हैं, उनको यहाँ पे क्यू वन है क्यू टू, उनके दरमियान डिस्टेंस आर है। म्यूचुअल फोर्स क्या है कि अगर क्यू वन क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से क्यू टू भी क्यू वन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो गई? म्यूचुअल फोर्स हो गई। तो चलिए देखते हैं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। अब देखें कि ये Q1 था Q2। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 के ऊपर कितनी फोर्स लगती है 1 की वजह से। तो F21 क्या मतलब हुआ कि 2 के ऊपर लग रही है फोर्स 1 की वजह से। अब दोनों हमने क्या लिए? प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमने अज्यूम किए हुए थे। अब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्जेस ने रिपेल करना है। तो अब 2 के ऊपर जो फोर्स होगी 1 की वजह से वो हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगी। तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो इसलिए इसी की जो डायरेक्शन होगी वो अवे होगी। और F21 जो फोर्स है उसका क्या मतलब है कि 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है 1 की वजह से, ठीक हो गया। अब इसकी जो आएगी वो F12 is equal to K Q1 Q2 over R square, R12, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये उसकी डायरेक्शन आ गई। अब इसी तरीके से अगर म्यूचुअल फोर्स है तो Q2 भी फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, तो उसको देखें तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है Q2 भी रिपेल करेगा Q1 को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि F12 जो 1 के ऊपर फोर्स लग रही है 2 की वजह से वो भी रिपेल्सिव फोर्स है। तो Q2 1 को रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन हमेशा अवे की तरफ होगी। तो ये उसकी डायरेक्शन है। तो F21 जो है वो इक्वल है कि Q1 Q2 और R स्क्वायर इनटू R21। अब अगर इन दोनों फिगर को देखा जाए तो डायरेक्शन जो QF21 है जो 2 के ऊपर फोर्स लग रही है 1 की वजह से वो ये डायरेक्शन है, जबकि 1 के ऊपर फोर्स लग रही है 2 की वजह वो डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो R21 इक्वल होगा -R12, क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो अपोजिट को वेक्टर फॉर्म में हम माइनस से शो करते हैं। तो F21, अब अगर F12 के अंदर इसकी वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल आ गई, तो हमने क्या किया कि R12 की जगह हम -R21 पुट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो R21 क्या होगा?
आर वन टू इधर माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से हमने आर वन टू हमारे पास था कि अब के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर आर वन टू, तो हमने क्या किया कि एफ वन टू की बात की, तो फिर हमने क्या किया कि सिर्फ आर वन टू की जगह उसकी डायरेक्शन, यहां पे क्योंकि डायरेक्शन है तो हम वेक्टर नहीं बनाएंगे बल्कि कैप बनाएंगे, ठीक हो गया। तो आर वन टू कैप जो है वो इक्वल है माइनस आर वन टू कैप, तो अब यहां पे हमने इधर माइनस आर टू वन कैप लगाई, तो अब अगर देखा जाए तो ये क्या बना, ये वैल्यू बनी आर एफ टू वन की, तो इसकी वैल्यू एफ टू वन, तो इससे हमें ये पता चला कि एफ वन टू हमेशा इक्वल है माइनस एफ टू वन के वन के ऊपर जो टू की वजह से फोर्स लग रही है या टू के ऊपर वन की वजह से फोर्स लग रही है, उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये बिल्कुल अगर देखें तो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर भी उसने यही बताया कि ये इक्वल जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं वो इक्वल तो हैं इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। यहां पे भी देखें कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड तो उनका सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो ये हम क्या कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बात करें तो कूलम लॉ जो है वो उस न्यूटन थर्ड लॉ के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब ये तो हो गया, अब उसके बाद हमने ये कहा कि के जो है वो एक तो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा मीडियम पे। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ मीडियम उसके ऊपर क्या है। अब ये जो चीज है ये, अब ये जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये सिंपल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब क्या किया कि दो चार्जेस लिए उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट की, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने दरमियान में एक इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, जब मीडियम रखा तो उससे उसकी फोर्स कम हो गई, तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया कि अगर हम भी दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर प्लेस कर दें, मीडियम प्लेस कर दें, तो फिर क्या होता है उसकी फोर्स कम हो जाती है बाय एन अमाउंट एप्सिलॉन आर। तो अगर मीडियम रखेंगे तो एफ जो है वो एफ प्राइम की वैल्यू जो नई आने वाली है वो वन ओवर एप्सिलॉन आर इनटू एफ होगी। अब एप्सिलॉन आर, अब ये क्या है कि ये भी परमिटिविटी है लेकिन इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब अगर इधर देखें तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम। अब एफ क्या है, ये फोर्स है, कूलम फोर्स है जब हमने कोई मीडियम प्लेस नहीं किया था, फ्री स्पेस थी। एफ प्राइम क्या था, एफ प्राइम वो वाली फोर्स है जब हमने मीडियम प्लेस कर दिया, तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ कूलम फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस टू द कूलम फोर्स व्हेन देयर इज एनी मीडियम बिटवीन देम। तो आज हमने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा और फिर हम क्या पढ़ा कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो हमेशा इक्वल होगी, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इससे हमें मैग्नीट्यूड ये मिला, के को हमने डिफाइन किया, के की डिपेंडेंस देखी कि वो नेचर मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर देख रहा है, और फिर हमने इसको डिफाइन किया और हमने ऐसा यूनिट के इसकी वैल्यू लिखी, और फिर हमने देखा कि कूलम फोर्स भी एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ जो है के मुताबिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कूलम थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ है वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और कूलम लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ के एन मुताबिक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।